हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का डेट है 16 नवंबर 2022 और हम 17 नवंबर 2022 को निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरीके ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ तीन आपको स्टॉक बताऊंगा स्विंग ट्रेड के लिए, या फिर आप इंट्राडे बना सकते हैं, बढ़िया प्राइस एक्शन पे दिख रहा है। तो गाइस सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। मैं आपको दिखा दूं आज के लाइव ट्रेड में, गाइस आज के लाइव ट्रेड में बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेड आपको बताया था टेलीग्राम पे भी, और जो लोग हमारे साथ लाइव थे उनको बताया था। ये जो लेवल है यहाँ से ऊपर जाने के बाद देखिए 50% का फिबोनाची के लेवल पे है। ये बस समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आप एक बार समझते हैं ना ट्रेडिंग को तो बहुत अच्छा काम आएगा। देखिए मैंने जीरो पे लगाया, ये लेवल पे ऊपर गया था, यहाँ से फर्स्ट टाइम आप देखिए इस तरीके से मैंने कुछ एक लेवल ड्रॉ किया है। ये है फिबोनाची का टूल, आप चेक करिए फिबोनाची के टूल में 50% के लेवल यहाँ से ऊपर गया था गाइस, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये वाला जो लेवल है ये 50% का है। आप चेक करें ये जो लेवल है, दिस इज 50% लेवल, मैं आपको मार्क कर देता हूं, दिस इज 50% लेवल। यहां से आप चेक करें तो एग्जैक्टली 50% आपको दिख रहा है। 50% पे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, उसके बाद गाइस यहां पर आया, ये है 23.6 का लेवल, ये वाला लेवल पे सपोर्ट बनाया, उसके बाद देखिए दोबारा फिर इसी लेवल पे सपोर्ट बना और मार्केट ऊपर गया। तो लगभग ये 50% से आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलता, आप यहां पर एंट्री करते तो यहां से लगभग 150 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। सेकेंड टाइम जब सेकेंड टाइम मार्केट ऊपर आया गाइस, इसी लेवल पे आया, और यहां पर आने के बाद आप जिस तरीके से यहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न बना है, चेक करें दोबारा दिखाता हूं, ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना था 50% लेवल पे, अगली बार जब यहां पर आया था एक बुलिश हरामी पैटर्न बना और मार्केट इसी लेवल से बूम किया, और आप देखें कितना पॉइंट दिया है गाइस, यहां पर हाई पे आप बाई करते तो ऑलमोस्ट यहां से 150 पॉइंट्स दिया है, यहां से 150 पॉइंट और यहां से 150 पॉइंट, लगभग ये दोनों सेमी लेवल पे है, 300 पॉइंट्स फिबोनाची के 50% लेवल से रिट्रेस हो करके आपको दिया था ये बैंक निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, और मैंने लाइव आप लोगों को यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग के दौरान दिखाया था, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको पोस्ट किया था गाइस कि जो बैंक निफ्टी हो 50% लेवल पे आकर बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया हुआ है, सेकेंड टाइम यहां पर बनाया और ऊपर गया है गाइस। तो ये जबरदस्त प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप जानते हैं सीखते हैं बहुत जबरदस्त आपका काम करेगा। सेकेंड आपको दिखाता हूं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं यहां पर। तो बैंक निफ्टी का मैं यहां पर इसे हटाता हूं सारा ड्राइंग को, कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं गाइस। यहां पर फिलहाल आप देखें तो ये लेवल जो है यहां पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, फिलहाल आप देखिए वो रेजिस्टेंस है, लेकिन इसी लेवल से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये जो लेवल है इसी लेवल से मार्केट ब्रेकआउट किया था, ये लेवल पे अभी सस्टेन किया हुआ है, और कहीं ना कहीं आप देखिए ये तो एक कॉन्टिन्यूएशन रेक्टेंगल पैटर्न भी बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप देखें तो ये मार्केट ऊपर जाने के बाद एक कॉन्टिन्यूएशन रेक्टेंगल पैटर्न है। अगर यहां से कंसोलिडेट करता तो मुझे लगता है कल इस जोन में अगर रहता है तो एक्सपायरी के दिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, यानी 42,600 के ऊपर निकलता हुआ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक्सपायरी के दिन ये 43,000 का लेवल शायद ये टच करे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बुल फ्लैग भी बना है, आप बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूएशन रेक्टेंगल पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 42,600 के ऊपर, अगर 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो चूंकि एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये अच्छे टाइम तक ये होल्ड किया है, मार्केट कैप काफी लंबे टाइम तक होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट आती है तो एक अच्छा छलांग देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पर चूंकि बुल फ्लैग है इसलिए मैं नीचे का ट्रेड नहीं सोच रहा हूँ, ऊपर का ट्रेड के लिए सोच रहा हूँ कि ऊपर शायद ये ब्रेकआउट करे। कल अगर इंट्राडे में आप देखें तो इसी लेवल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जिस तरीके का ट्रेड का सेटअप बनता है उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर इसी जोन में बना हुआ रहता है गाइस कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो कल भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये दोनों जोन में अगर रहता है 120-130 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके बिलो पे, और यहाँ से लगभग 2:1 का रिस्क रिवार्ड के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे आता है इसे हम इग्नोर मारेंगे, नीचे अगर आता है इसे इग्नोर करेंगे, इन बिटवीन अगर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस होकर नीचे आ सकता है, अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो ये सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। बाकी ब्रेकआउट का ट्रेड आपको बता दिया है बैंक निफ्टी में, राइट। चलिए निफ्टी को देखते हैं गाइस, निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को अगर आप देखें यहाँ पर तो निफ्टी में भी मैंने आपको ट्रेड बताया हुआ था, बहुत अच्छा यहाँ पे चला था, इसी लेवल पे ये लेवल पे हैमर बनाया हुआ था और यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट ऊपर गया था। मार्केट ओपन होते ही आपको एक और यहाँ पर ट्रेड दिया था, वो था बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बेसिस पे बताया था गाइस, टेलीग्राम पे पोस्ट किया था यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे, इस पे बाइक करने के लिए मैंने बोला था लाइव ट्रेड में भी। यहाँ से आप देखें तो मार्केट लगभग 50 पॉइंट्स आपको यहाँ से दिया था,
इस लेवल के ऊपर लगभग 33, 34, 35 पॉइंट्स दिया। सेकेंड टाइम मैंने यहाँ पर बताया था बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे, इसी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे दोबारा ये ट्रेड चला था और लगभग इस बार भी 50 पॉइंट्स आपको दिया था। हैमर पे भी आप ट्रेड कर सकते थे, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे भी आप ट्रेड कर सकते थे, बहुत अच्छा ट्रेड था यहाँ पर। कल के डेट में किस तरीके ट्रेडिंग हो सकती है आप देखिए, ये ट्रायंगुलर पैटर्न का एक फॉर्मेशन किया हुआ है, ये ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है, इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है गाइस तो देखना होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है और कहां पर ओपन होता है। अगर इन बिटवीन कहीं पर ओपन होता है तो ये लेवल आपका एक रेजिस्टेंस हो सकता है और नीचे आएगा, या फिर अगर इस जोन में ओपन होता है तो ये आपका सपोर्ट होकर ऊपर जाए। इनकेस अगर ऊपर जाता है जिसके ब्रेकआउट का और फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट आया रिटेस्ट करेगा, जो कैंडल पे ब्रेकआउट है उसके नीचे का स्टॉप लॉस और ट्रेल करते चले जाएंगे ऊपर की ओर, ये हमारा निफ्टी की स्ट्रेटजी होगी। चलिए गाइस मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ जो मैंने आपको 3 दिन पहले पोस्ट किया था और अभी ये 15% का रिटर्न दे चुका है 3 दिन में। 11 तारीख को मैंने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम पे, लाइव यूट्यूब पे भी मैंने सबको बताया था, उसका नाम है गाइस यहाँ पर लिबर्टी। मेरे टेलीग्राम पे जाकर चेक करें, लिबर्टी को मैंने बताया था। लिबर्टी क्यों बताया था, 44 मूविंग एवरेज पे था, प्राइस एक्शन पे भी था, यहाँ पर ये 44 पे था, आप चेक करें, इसी कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैंने आप लोगों को बाई के लिए बोला था। यहाँ से ब्रेकआउट आया था और कंटिन्यू आप देखें इसी लेवल से इस कैंडल के ऊपर में, हैमर के ऊपर आप बाई करने के लिए बताया था। 3 दिन में लगातार 5-5% के ऊपर गया, 15% का रिटर्न दिया है लिबर्टी पिछले 3 दिन में। मैंने टेलीग्राम पे गाइस इसी कैंडल पे पोस्ट किया था 11 नवंबर को, 12 नवंबर को 5% गया, 16 को गया, 12-13 को, और उसके बाद 2 दिन छुट्टी थी, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 11 का पोस्टिंग में आज के डेट में ये 360 गया। हमारा टारगेट 350 का था बट ये 360 ऑलरेडी टच कर गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका और भी पावर है और ये लगभग 400 के ऊपर भी ये निकल सकता है लिबर्टी। तो इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम है और 3 दिन से बहुत अच्छा ये रिटर्न दिया, 3 दिन में आपको 15% का रिटर्न दे दिया। मैं अभी इसमें एंट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 15% ऑलरेडी आ चुका है तो अभी इसमें एंट्री नहीं है। बाकी 2 स्टॉक मैं बताऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, एक तो मिंडा कॉफ है, मिंडा कॉफ मैंने आज ही बताया था लोगों को यहाँ पे बाई करने के, देखिए इसी कैन एक तो 44 के ऊपर ब्रेकआउट आई थी, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऊपर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ गाइस, उसका ब्रेकआउट आया, साथ ही साथ यहाँ देखे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न भी था। मैंने कल ही ये मिंडा कॉफ को आपको सजेस्ट किया था स्विंग ट्रेड के लिए और आप देख सकते हैं आज के डेट में ये लगभग 2% से ऊपर दे चुका है। 44 का ब्रेकआउट उसके ऊपर निकला, हैमर भी बनाया था, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनाया, उसका भी ब्रेकआउट आ गया है। तो एक मिंडा कॉप में एक अच्छा खासा रिटर्न का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस उसका नाम है क्रॉम्पटन। अगर आप क्रॉम्पटन ग्रिप्स को देखें तो एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ है, इसने यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, चेक करें मार्केट नीचे आने के बाद ये यहाँ से ऊपर गया, सेकेंड डे डबल बॉटम बना, ये नेकलाइन होता है, नेकलाइन का भी ब्रेकआउट आया है। उम्मीद करता हूं कि यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखे, स्टॉप लॉस आपको लगाना है इस कैंडल के लो पे, स्टॉप लॉस लगाइए और जो भी एक एक कैंडल क्लोज होता है उसको ट्रेल करके आप एक अच्छा प्रॉफिट यहां से उठा सकते हैं गाइस क्रॉम्पटन ग्रिप्स में। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, एक बार देखें मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर इनडिसाइसिव कैंडल बना है गाइस, ये जो है सो मार्केट इनडिसाइसिव है, यानी मार्केट अब कंफ्यूज है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इनडिसाइसिव कैंडल के दिन ट्रेड नहीं करते, उसके बाद का कैंडल आप देखें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस कैंडल ये एक हैमर का फॉर्मेशन है। मार्केट में देखिए एक अच्छा खासा वीक का रिजेक्शन हुआ डाउनवर्ड से, प्लस उसके पहले एक इनडिसाइसिव कैंडल है, इसका मतलब ये है इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम की तैयारी हो रही है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है 2480-2490 के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरा टारगेट मिनिमम होना चाहिए गाइस ये वाला लेवल, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से लगभग 3% आप 2 से 3 दिन में 1 दिन में आपको यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप इसमें इंट्राडे का भी ट्रेड बना सकते हैं, अगर आपको इंट्राडे का ट्रेड बनाना है तो आपको क्या करना होगा चेक करें, ये जो लेवल है इंट्राडे में मार्केट इस ये अच्छा सा रेजिस्टेंस था, किसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है, इस जोन में कहीं पर भी अगर ओपन होता है सिर्फ उसी बाई की अपॉर्चुनिटी होगी, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप इंट्राडे में भी आप ट्रेड कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। तो गाइस आज के लिए यहीं पर रहने देता हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया किस तरह का ट्रेड था आज का, निफ्टी का बताया, लिबर्टी में कैसे 15% का दिया है, क्रॉम्पटन, मिंडा कॉप और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये 3 स्टॉक में मुझे बताइएगा कमेंट करके कौन सा स्टॉक का प्राइस एक्शन अच्छा लगा आपको और कौन से स्टॉक में आपको लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी शेयर करिएगा गाइस ताकि लर्निंग के साथ साथ लोगों को भी अर्निंग भी मिले और लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाए। एक डिस्क्लेमर बता दूं गाइस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरा बनाने का मकसद होता है आपको एजुकेट करना, लर्निंग देना,
ताकि आप भी अब समझ पाए अपने लेवल पे और अपने दम पे ट्रेड करने की आप में एक क्षमता आए। ये यही मेरा एक मोटो होता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। गाइस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।